हैशटैग आकाशवाणी क्या कहती है भैया, ये कहती है कि पहले तीन मैचेस में टॉस जीतो, फील्डिंग करो, तीन स्पिनर्स को खिलाओ, मैच जीतो। क्योंकि यही तो हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया मुंबई इंडियंस को, तीन स्पिनर उन्होंने खिलाए थे, तीन स्पिनर्स खिलाए रविचंद्रन अश्विन की टीम ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ, और वही काम किया दिनेश कार्तिक की टीम ने आरसीबी के खिलाफ। और तीनों कप्तान जो है उनका चेन्नई कनेक्शन है, एक चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान है भाई, धोनी तो चेन्नई से ही आते हैं ऐसा लगता है, और रविचंद्रन अश्विन भी जीत गए और जीत गए दिनेश कार्तिक भी, तो अभी तक की कहानी तो बिल्कुल स्पष्ट है। और तीसरी बात ये समझ में आती है कि आकाश चोपड़ा जी, आप तो बिल्कुल रिजल्ट की प्रेडिक्शन करिए ही मत इस आईपीएल में, क्योंकि आपने सारे रिजल्ट जो हैं वो गलत बताए हैं। पहले मैच की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज अ गेम जो था ऑलमोस्ट बिटवीन द इक्वल्स। एक तरफ किंग्स इलेवन पंजाब टॉस जीता, फील्डिंग की, और फील्डिंग के बाद गेंदबाजी बहुत अच्छी की उन्होंने। तीन स्पिनर्स मुजीब उर रहमान, जिसे हम मुजीब जादरान के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया की गेंदबाजी, उनके पास बहुत वेरिएशंस हैं। एक बात उनकी खास, हम उनको एकलव्य कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो कैरम बॉल सीखी वो रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखी, तो एकलव्य ने भी तो द्रोणाचार्य से सीखा था उनका पुतला बना के। अब उम्मीद है कि अश्विन उनसे अंगूठा ना मांग ले, क्यों मांगेंगे, उन्हीं के टीम के तो बॉलर हैं वो, तो ऐसा होगा नहीं। गंभीर की टीम में थोड़ी समस्या है, और उन्होंने कई चीज़ें गलती की। क्या की? एक तो पहली बात, पंत से पहले भेज दिया उन्होंने विजय शंकर को, भाई क्यों? लेकिन उसके बाद उन्होंने भेज दिया तेवटिया को मॉरिस और डैन क्रिश्चियन से पहले। अब ये वाला जो बैटिंग ऑर्डर है मेरे तो समझ में आया नहीं, ये थोड़ा सा बैटिंग डिसऑर्डर था, और शायद इसकी वजह थी ग्लेन मैक्सवेल का वहां ना होना। ग्लेन मैक्सवेल होते तो शायद ये कुछ बैटिंग ऑर्डर अलग होता, लेकिन वो थे नहीं, जो बीत गई सो भैया बात गई। और केएल राहुल कमाल भी हैं, लाजवाब भी हैं, नाम इनका राहुल है। इन्होंने हमें क्या समझाया? इन्होंने कहा जो तकनीक है वो आपको धीमा नहीं करती, वो आपको लिबरेट करती है, आपको आज़ादी देती है बहुत सारे शॉट लगाने की। फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, और सारे क्रिकेटिंग शॉट्स लगा के 14 बॉल में 50, उसके बाद करुण नायक के रन, यानी कि दो इंडियंस ने बनाए रन। बेसिकली किंग्स इलेवन पंजाब नाउ आर लुकिंग इन अ वेरी गुड स्पेस, इंडियंस फायर करेंगे ना तो अच्छा करेंगे। अब आरसीबी की बात कर लें, क्रीम इज एट द टॉप बट दैट्स देयर प्रॉब्लम, लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है लेकिन नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाद में कौन करेगा बल्लेबाजी, और अगर इतने अच्छे हैं तो फिर 200 बनाने पड़ेंगे हर बार, और दैट्स समथिंग दैट दे विल हैव टू फिगर आउट। क्योंकि मुश्किल काम क्या है T20 में? डेथ में बैटिंग करना। अब वो काम तो किसी बड़े को करना पड़ेगा, वो परिवार का छोटा थोड़ी ना करेगा। मनदीप ने काम अच्छा किया, बट देन दे नीड मोर फायर पावर, सोचना पड़ेगा। कॉलिन डी ग्रैंड उनको खिला लो, मकलम को तो खैर अब ड्रॉप नहीं कर सकते, शायद क्विंटन डी कॉक को बाहर बिठा दो, अब ये एक सोच होगी। दूसरी परेशानी है, सिर्फ 5 बोलिंग ऑप्शन के साथ उतरे हैं जनाब, दैट्स नॉट समथिंग दैट विल गो डाउन वेल, क्योंकि किसी का भी एक दिन खराब हो जाए तो फिर किससे करेंगे गेंदबाजी? क्या विराट खुद डालेंगे? दैट्स अनदर थिंग दैट दे विल हैव टू एड्रेस। कोलकाता नाइट राइडर्स दे डिड एक्सीडिंगली वेल, तीन स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो कुलदीप यादव, पीयूष चावला, सुनील नारायण, वेल डन, ये 12 ओवर आपके परफेक्ट हो गए। थोड़ी सी बॉलिंग में समस्या बीच बीच में लगी थी, क्योंकि जॉनसन उतना अच्छा नहीं कर रहे, बट देन दे विल हैव टू सॉर्ट दैट आउट। बैटिंग नारायण एक बार फिर सबको कर दिया हैरान, और 50 रन उन्होंने बनाए, दिनेश कार्तिक के इंपॉर्टेंट रन, नितिश राणा ऑल्सो स्कोर्ड वेल देयर ऑफ द ब्लॉक। नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग्स, अब उसमें पता चलेगा भाई, एक चेन्नई का कप्तान तो हारेगा ये बात तय है, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो या फिर अपने महेंद्र सिंह धोनी, वो तो उस मुकाबले की बात है। अभी हैशटैग आकाशवाणी पे इतना ही। You've been watching Akashwani. Thank you so much for all your love and support. But now do a thing. Quickly subscribe and like and share and let the word spread.